नमस्कार, मैं आयुषी जोशी अचीव आईएएस द्वारा प्रस्तुत इस समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बोडो शांति समझौते के बारे में। आइए जानते हैं क्या है ये बोडो शांति समझौता। हाल ही में 27 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, त्रिपक्षीय समझौते के नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। ये समझौता नई दिल्ली में किया गया है। भारत सरकार, असम सरकार और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच एक शांति समझौता हुआ है। इसी के साथ असम और पूर्वोत्तर में बोडो उग्रवाद की समस्या से पूरी तरह निजात पाने के रास्ते खुल गए हैं। यह समझौते पर हस्ताक्षर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अमित शाह का कहना है कि तकरीबन 1,500 बोडो उग्रवादी 30 जनवरी के दिन आत्मसमर्पण कर देंगे। बोडो जनजाति असम में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। बोडो असम की जनसंख्या का 5 से 6% है। असम में 4 जिले बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट दैट इज BTED के तहत आते हैं। ये 4 जिले हैं कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी, चिरांग। यहाँ कई बोडो जनजातियां बसती हैं। बोडो लंबे समय से अलगाववादी मांगे उठाते रहे हैं। इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी किया गया है। 1966 से 67 में अलग बोडो राज्य बोडो लैंड की मांग उठाई गई थी। प्लान ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम PTCA के तहत, यह एक राजनीतिक संगठन था, उसके तहत कई सारे ऐसे हिंसक कार्यक्रम चलाए गए थे। आइए जानते हैं और इसके बारे में। अवैध प्रवासियों को मुद्दा बनाकर 1979 में असम आंदोलन शुरू हुआ। 1985 तक चले इस आंदोलन का अंत तब हुआ जब राजीव गांधी ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU और असम सरकार को साथ बिठाकर एक असम अकॉर्ड पर दस्तखत कराए। असम आंदोलन के तहत असमिया संस्कृति और पहचान को सहेजने का वादा किया गया। बोडो गुटों को पहचान के विनाश है वो प्रति और संचेत हो गए, जब क्योंकि अकॉर्ड असमिया पहचान की बात करता था। बोडो गुटों को अपनी मांगों को उठाने और मनवाने का तरीका भी नजर आया। दैट वॉज आंदोलन और विद्रोह। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU ने इस मांग को नए सिरे से उठाया। अब ABSU के नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने नारा दिया था। यह नारा था, असम को अलग अलग बराबर भागों में बांटो, डिवाइड असम 50-50। कई सारे हिंसक व उग्रवादी आंदोलन चलाए गए। बोडो आंदोलन इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि बोडो जनजाति के लोग असम में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे उनकी जमीनों और उनके आधिकारिक क्षेत्र को छीन लिया जाएगा। इस हेतु कई दशकों से आंदोलन चलाए जा रहे थे। 1980 के बाद कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। हालांकि अमित शाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस समझौते के अंदर ये दावा किया गया है कि ये समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र के अथवा असम तथा बोडोलैंड के आर्थिक व राजनीतिक पक्ष को और भी मजबूत बनाएगा। NDFB जो कि एक उग्रवादी आंदोलन के कार्यकर्ता का एक संगठन है, उसे भी सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आइए जानते हैं NDFB के बारे में। इसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। यह एक ऐसा संगठन है जिसने कई सारे हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है। बोडोलैंड की डिमांड बोडोलैंड के उग्रवादी संगठनों द्वारा की गई थी। अलग बोडोलैंड की मांग के लिए राजनीतिक संगठनों के साथ उग्रवादी भी बने।
1986 में रंजन देमारी ने बोडो सिक्योरिटी फोर्स BDSF नाम से उग्रवादी संगठन बनाया। BDSF ने ही आगे चलकर अपना नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड किया। 1990 के दशक में बोडो उग्रवादियों से निपटने के लिए सेना को लगाया गया। इसने बोडो उग्रवादियों को असम छोड़कर भूटान जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यहाँ कूटनीतिक काम आई और भारत की फौज ने रॉयल भूटान आर्मी को साथ ले लिया। 2000 के पहले दशक में दोनों सेनाओं ने NDFB के खिलाफ कई जॉइंट ऑपरेशंस चलाए। NDFB ने कई सारे बम धमाके भी करवाए। NDFB का नाम सुरक्षा बलों और आम लोगों पर हमलों, हत्याओं और फिरौती के कई मामलों में आया। अक्टूबर 2008 में असम में NDFB के किए बम धमाकों में करीब 90,000 लोगों की जान गई। इन्हीं धमाकों ने जनवरी 2019 में NDFB के 10 सदस्यों और रंजन दमोरी को दोषी पाया गया। इन धमाकों के बाद NDFB दो गुटों में बट गया। एक गुट गोविंदा बासुमातारी का हुआ, जिसे NDFBP कहा गया। दूसरा गुट देमारी का। 2009 में गोविंदा के NDFBP ने सरकार से बातचीत शुरू की। 2010 में देमारी को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया और भारत के हवाले कर दिया गया। 2013 में देमारी को बेल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद NDFB के देमारी धड़े ने भी सरकार से बातचीत शुरू कर दी। 2012 में NDFB से एक और धड़ा अलग हुआ, NDFBR। NDFBR से इंगली कठोर सांगबिजित ने अलग होकर NDFBS बना लिया। 2015 में सोंगबिजित को हटाकर बी सावराई गुआरा को अध्यक्ष बनाया गया। NDFBS फौज की कार्रवाई के से बचने के लिए म्यांमार चला गया था। NDFBS ने लंबे समय तक भारत सरकार से बातचीत का विरोध किया। NDFB के धड़े बढ़ते रहे, लेकिन हिंसा का क्रम बना रहा। 2012 में दो मुस्लिम दंगों में सोनितपुर में 30,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया। यही था आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने बोडो समझौते के बारे में समझने की कोशिश की।